मलेशिया यूक्रेन वॉर जोन से सबकी बड़ी अपडेट आपको बता दें, रूस की महाशक्तिशाली सेना का यूक्रेन की सेना डटकर सामना कर रही है। नेटो से हर घातक हथियार यूक्रेन को मिल रहा है, जिसके दम पर जेलेंस्की के जाबाज मैदान में डटे हैं। फ्रांस और नेदरलैंड्स ने दावा किया है कि जेलेंस्की ने अब तक उनसे फाइटर जेट की मांग नहीं की है। भविष्य में अगर ऐसा होता है तो उसकी उस कमी को भी पूरा किया जाएगा। यूक्रेन की जमीन पर रूस की सेना पिछले 11 महीनों से आग बरसा रही है। यूक्रेन में फाइटर जेट की गर्जना सुनाई दे रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तोपों का दम दिख रहा है, खेरसोन, खार्किव समेत ज्यादातर शहर खंडहर हो चुके हैं। महायुद्ध की शुरुआत से नेटो देशों ने यूक्रेन को हर वो हथियार दिया जिसकी जेलेंस्की ने मांग की। कोला, बम, बारूद यूक्रेन के गोदाम में कम नहीं पड़ने दिए। नतीजा ये है कि इन 11 महीने बाद आज यूक्रेन की सेना रूस का डटकर सामना कर रही है। पश्चिमी मीडिया में अब दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की को मैदान में ताकत देने के लिए फ्रांस एक घातक हथियार की यूक्रेन में सप्लाई कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए फ्रांस से यूक्रेन को फाइटर जेट की सप्लाई की जा सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन में लड़ाकू जेट भेजने से इनकार नहीं किया है। अगर भविष्य में यूक्रेन को फाइटर जेट की जरूरत पड़ती है तो जेलेंस्की की इस जरूरत को भी फ्रांस पूरा करेगा। द हेग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमैनुअल मैक्रों ने कहा, फ्रांस ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, तोप और सैन्य उपकरण भेजे हैं, बख्तरबंद गाड़ी, और अगर यूक्रेन की सेना फाइटर जेट की मांग करती है तो फ्रांस यूक्रेन को फाइटर जेट भी भेज सकता है। महाशक्तिशाली रूस के सामने यूक्रेन की बारूदी ताकत बेहद कम है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत नेटो देश अपने हिस्से का बारूद यूक्रेन भेज रहे हैं। सैन्य, आर्थिक या फिर हथियार, हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। फाइटर जेट की सप्लाई को लेकर द नेदरलैंड्स की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया। द नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेन से F-16 की सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई बात नहीं हुई। महायुद्ध के बीच में यूक्रेन को F-16 की सप्लाई एक बड़ा कदम होगा। Ik herken dat zeer. Het is ontzettend belangrijk dat we Oekraïne blijven ondersteunen. En dat Oekraïne ook steeds articuleert, vertelt, ons deelgenoot maakt van wat ze nodig hebben. Ik ben heel blij. Ik had eerder vandaag een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden. Ook over het feit dat het nu gelukt is om de Leo 2's, de Leopard 2 te leveren uit Duitsland. Ook omdat de Amerikanen daar ook in dat project betrokken zijn. Als Nederland blijven we kijken of wij kunnen helpen. We hebben geen Leopard 2, we hebben geleaste tanks. Maar we hebben gezegd als het helpt zijn we bereid te kopen en door te leveren. Het kan ook zijn dat het toch beter is dat we die geleaste Leopard 2 gebruiken op andere plekken. महायुद्ध का ना ही अंत दिख रहा है और ना ही कोई नतीजा नजर आ रहा है। द हेग में फ्रांस के राष्ट्रपति और डच प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को हर मदद का भरोसा दिया है। साथ ही दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने हिस्से के घातक से घातक हथियार से यूक्रेन की सेना को मजबूत किया जाएगा ताकि जंग के मैदान में यूक्रेन रूस को हर मोर्चे पर शिकस्त दे सके। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था।
टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।